नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सर्दियों में तो 10 रुपए को मिलता है टमाटर, फिर इस बार 100 रुपए के पास क्यों चला गया। देश भर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक चेन्नई की कोयम्बू बेंडू की थोक सब्जी मंडी में एक किलो टमाटर की कीमत 120 रुपये और शहर भर के खुदरा बाजारों में इसकी कीमत 150 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। वही राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में भी 80 से 110 रुपये किलो तक टमाटर बिक रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्दियों में हमेशा सस्ता रहने वाला टमाटर इस बार इतना महंगा क्यों है। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बारिश कहा जा रहा है। बारिश के कारण टमाटर की सप्लाई बाधित हो गई है, जिस वजह से इसकी कीमतें बढ़ रही है। दक्षिण भारत में मौसम की मार टमाटर की फसल पर ज़्यादा पड़ी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण पानी से भर गया है। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में या तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है या 80% से ज़्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। दरअसल अक्टूबर में बेमौसम बरसात ने टमाटर की फसल को खराब कर दिया था, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी बारिश से टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। आमतौर पर सर्दियों में टमाटर 300 रुपये प्रति क्रेट बिकता है। इस क्रेट में 25 किलो टमाटर होते हैं। मौजूदा दौर में दिल्ली एनसीआर और सटे शहरों में एक क्रेट टमाटर 1000 रुपये से लेकर 1400 रुपये तक बिक रहा है। बारिश के अलावा तेल की कीमतों में भी खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ने की वजह से बताई जा रही है। महंगी तेल की वजह से सब्जियों में ट्रांसपोर्टेशन दर ज़्यादा दर करना पड़ रहा है। हालांकि हाल ही में सरकार ने तेल की कीमतों में कटौती कर कुछ राहत देने की कोशिश जरूर की है। न्यूज़